गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है दूसरी इकाई का पाठ 5 कविता ले रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आता है। इस कविता का नाम है बसंत गीत, जिसके कवि का नाम है चंद्र प्रकाश चंद। इनका नाम है चंद्र प्रकाश, लेकिन साट में लोग चंद बोलते हैं। और पहले जो है चंद्र प्रकाश चंद्र के विषय में थोड़ा सा सुनो। देखो, इनका जन्म, किसका जन्म, जन्म प्रकाश चंद्र जी का जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बुलंदशहर जिस जो कि आगरा का ताजमहल जहाँ है उस क्षेत्र का नाम है बुलंदशहर। और वहाँ यह जो है 3 अक्टूबर 1947 को जो है 57 को जो है पैदा हुए थे। आगे उनकी जो है रचनाएं सुनिए। रचनाएं मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रचनाएं माने जो लिखे हैं, तो जो लिखे हैं वह उनकी रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं, थोड़ा सुनिए। तो ख्याल ऊपर और ऊपर, यह जो है एक लघु कथा है, और टेलीफिल्म, फिर गीत, बाल गीत आदि। आदि माने अनेक, इस तरह से यह अनेकों जो है कविता लिखे हैं। और यह जो है क्या लिखे हैं, क्या मतलब बसंत गीत के विषय में क्या कहना चाहते हैं, यह आप ध्यान से सुनिए। तो चंद्र प्रकाश जी जो है, बसंत ऋतु क्या होता है और यह जो है मौसम में कैसा उल्लास भरता है, मतलब पर्यावरण में, वह आपको इस प्रस्तुत गीत में कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन यानी प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। दर्शाया माने प्रस्तुत किया है। तो आओ कविता पहले सुनते हैं। तो सुनो, कविता जो है लय के साथ थोड़ा गाते हैं। मेरा लय मान लो आवाज़ वैसा नहीं, लेकिन आप लोग गीत के माध्यम से गाओगे तो अच्छा लगेगा। जैसे सुनो, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो। माने कवि चंद्र प्रकाश जी कहते हैं सजी आयो रे, माने सजी माने सज करके आया, मतलब वसंत ऋतु जो है सज करके, सवर करके माने सुंदर बन करके आता है। कैसे आता है, सज करके, सवर करके। और अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो रे, माने अजी मतलब क्या बोलता है लेखक, अरे कवि, कि अजी माने आए लोगों, है सभी लोग आओ और गाओ। क्यों, क्योंकि यह बसंत ऋतु जो है सज करके आया है। देखो, खूब फूल द्वारा जब मतलब जब भी मौसम बसंत आता है तो जितने मतलब खेत खलिहान आप देखोगे तो खूब सुंदर फल और फूल से सुशोभित हो जाता है। और पूरी पृथ्वी जो लगता है कि पृथ्वी में जो है नवीनपन माने नयापन, सुंदरता अपने आप झलकने लगती है। इसलिए इस महीने माने इस ऋतु को बसंत ऋतु कहते हैं। आगे आइए, आगे का कवि है, अरे आगे का जो है दोहा कविता सुनिए। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गूजे मधु गन मधु मकरंद चुरायो। माने बसंत ऋतु जब आता है तो जैसे लगता है, कुसुम माने फूल, और जो है फूल जब खिलता है, हवा बहता है मंद मंद, मंद मंद माने धीरे धीरे, तो जैसे लगता है कलियां जो है धीरे धीरे खिलती हैं, उसमें कलोल मतलब आता है, फूल खिलते हैं और मन जो है सबका जो है हर्षित हो जाता है। माने लगता है कि प्रकृति जो है धीरे धीरे जो है मुस्करा रही है, माने खुश हो रही है। और गुन 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 गूजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो, माने इस तरह से जो है मधु का रस माने फूलों का रस मधुमक्खियाँ जो है लेती हैं, माने हर मधु और तितली जो भी होते हैं भौरे और मधुमक्खियाँ, ये हर फूलों पर बैठ करके उनका मकरंद, मकरंद माने उसका रस, रस को चुराती है माने ग्रहण करती है। और वही जो है मधु जो है
जब मधुमक्खियाँ, मधु मतलब बटरफ्लाई जो बोलते हो, वह जो है मधु मतलब फूलों से रस इकट्ठा कर करके ही छत्ता बनाती हैं, और उसी छत्ते से जो है मधु मतलब शहद तैयार होता है, और वह मौसम ऋतु में ही यह सब क्रियाकलाप ज़्यादा होता है, और सभी पक्षियाँ, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आपस में गुनगुनाने लगती है जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो फिर सुनिए, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गायो रे बसंत ऋतु सजी आयो। माने कवि चंद्र प्रकाश जी कहते हैं कि सजी करके माने यह ऋतु जो है सज करके सवार सवर करके सुंदर रूप धारण करके आता है, इसलिए अजी माने आए लोगों सभी लोग आओ बसंत ऋतु का जो है गीत मिल करके एक साथ गाइए। आनंद गाना मतलब आनंद लीजिए, रस में उसका जो है आनंद महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब बसंत ऋतु आता है तो हर फुलवारी, हर बाग बगीचे में खूब सुंदर सुंदर तरह तरह के रंग बिरंगे जो है फूल अपने आप स्वतः ही उगाते हैं, जो कि देखने में मन को मोहते हैं। है आगे चलिए। बन बन बाग बाग बनियन में सुहन सुगंध उड़ायो, ठुमक ठुमक मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। माने बन 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 माने बगीचे बगीचे, बाग बाग मतलब वन होता है मतलब जो आम का, बबूल का और बरगद का, क्या बोलते हैं पीपल का, बड़े बड़े पेड़ जिसको झाड़ बोलते हो, इसको वन और बगीचा बोलते हैं। अब बाग बोलते हैं जैसे फूलों का फुलवारी है, छोटे छोटे पौधे हैं, वह जो है बाग बोलते हैं उसको। तो वन और बाग माने जंगल और बाग बगीचे में जो है सुहन सुगंध उड़ाए माने खूब सुंदर सुगंध उड़ाए, मतलब अपने आप जो है सुगंध मतलब खूब सुंदर गंध, गंध मतलब खुशबू अपने आप उड़ने लगती है। माने जब बसंत ऋतु आता है तो वन बाग जंगल और बाग बगीचों में खूब सुंदर सुहावने लगने, सुहन माने सुंदर सुहानी लगने वाले खुशबू अपने आप उड़ने लगते हैं, माने बिखर जाते हैं, जिसके वजह से ठुमक ठुमक की मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। माने इतना सुंदर जो है सुगंध आती है और इतना अच्छा मौसम लगता है कि मयूर, मयूरा मतलब मोर, अपने आप ही ठुमक ठुमक करके नाचने लगता है, और गीत जो है कोयल जो है खूब सुंदर, कोयलिया मतलब कोयल, अपने आप जो है खूब सुंदर गीत गाने लगती है। यानी मतलब जो है फिर वही कवि बोलता है, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो। माने जिस प्रकार से जब कोयल गाने लगता है, मयूर मयूर माने मोर नाचने लगता है, तो यह सब दृश्य देख करके कवि क्या कहता है चंद्र प्रकाश चंद्र जी कि अजी माने यह भाइयों माने हमारे लोगों, बसंत ऋतु जो है सज करके आ गया है, आओ हम लोग जो है मिल करके बसंत गीत जो है बसंत ऋतु का गीत गाना प्रारंभ करें, माने गाए, क्योंकि बसंत ऋतु में ही जो है पूरे वर्ष में जो सबसे सुंदर ऋतु जो है बसंत ऋतु ही बोला जाता है, क्योंकि इस ऋतु में हर फसल खूब तैयार हो जाता है, और बाग बगीचे में जो है खूब सुंदर हरियाली आती है, और फल फूल जो है अपने आप जो सूखे भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी हरियाली फूल और पत्तियां स्वतः आ जाती है, ऐसा प्रकृति का नियम है। तो इस ऋतु में जो है सब पूरा पृथ्वी संपन्न हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए कवि कहता है कि आओ इस बसंत ऋतु का आनंद लें और मिल करके गीत गाएं। आगे जो है, पीली पीली सरसों फूली और बौरा अमुआ पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। माने कवि चंद्र प्रकाश जी कहते हैं कि सरसों के फूल
फूली माने फूल जो है खूब सुंदर पीला पीला, माने पीली पीली माने पीली पीली फूल, पीला पीला फूल जो है सरसों के पौधों में अपने आप आ जाती है बसंत ऋतु में। और माने और जो बौर अमुआ पे छायो, माने बौर होता है एक प्रकार से जब आम मतलब फल जो लगते हैं जिसको कैरी बोलते हो, माने आम का छोटा हिस्सा वह लगता है बौर में। किस में लगता है? बौर में। पहले सावन महीने के पहले ही जनवरी से जो है आम के वृक्षों में बौर आता है। बौर के बाद उसमें कैरी माने छोटे आम के फल लगते हैं, फिर वही फल धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एक बड़ा आम का रूप ले लेता है। फिर जैसे ही गर्मी पड़ती है आम बढ़ता है तो वह फिर पकता है, फिर वही मार्केट में आता है। तो वही मतलब कहने का मतलब कभी क्या कहते हैं कि वह फल जो आम जो निकलता है तो बौर के माध्यम से ही तैयार होता है। पहले पेड़ में मैं सिर्फ पहले बौर ही आता है, वह बौर धीरे जैसे जैसे पुराना होता जाता है बढ़ता जाता है उसमें आम का रूप वह लेते जाता है। और सरसों में सरसों का जो वृक्ष होता है माने पौधा उसमें पीली पीली फूल निकलती है। तो सरसों में पीली पीली फूल और माने और बौर माने वही आम का एक प्रकार का फूल होता है बौर, उसके बाद उसमें आम लगता है या छायो, छायो मतलब आ जाती है अपने आप। और हरी हरी मटर बिछौने ऊपर ऊपर अमित रंग बरसायो, माने उसी समय, किस समय माने मौसम जो आता है बसंत ऋतु, उस समय जो है पूरे खेतों में हरी हरी मटर बिछौने माने मटर जो ओटाना बोलते हो इसके पौधे खूब हरा होकर के और मटर की छिम्मी मतलब कलियां लग जाती हैं और उस पर ऐसा लगता है कि उस पर जो है अमित जो है रंग बरसाता है। किस तरह का माने अमित माने अनेकों प्रकार के रंग माने नीला गुलाबी पीला सफ़ेद, माने मटर का फूल देखोगे तो कई कलर का माने 7-8 कलर के फूल उसमें दिखाई देते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुशोभित होता है। इस तरह से जो है यह बसंत ऋतु जो है जब आता है तो हर फसल अपने जो है तरुणावस्था माने युवावस्था में पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और प्रकृति को भी देखने में खूब लुभाता है और देखने में इतना सुंदर लगता है कि मतलब लगता है पूरा पृथ्वी जो है संपन्न और सुंदर दिखाई देने लगता है। इसीलिए जो है चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि इस ऋतु में आओ रे, क्योंकि यह ऋतु जो है सज करके आता है और इस समय आ भी गया है, इसलिए आओ हम सभी लोग मिल करके बसंत ऋतु का गीत गाएं, खुशियां मनाएं। क्यों? क्योंकि पूरा पृथ्वी का वातावरण एकदम खुशहाल और सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर फसल में फूल पत्तियां और फल खूब पूर्ण रूप से माने अच्छे ढंग से जो है लगा है जो कि देखने में मन को मोह रहा है मतलब सुंदर लग रहा है। इसलिए यह ऋतु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है जो कि यह पूरे पृथ्वी को संपन्न और सुंदर दिखाई देती है। इस तरह से यह लेसन जो है संपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।